सावधान, आने वाला है तूफान, तबाही का डबल अटैक। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तक होता है। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे, और इसलिए तैयारियां हैं। अंदाजा लगाइए कि बिपरजॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की क्या, यहाँ देखिए क्या होगा, एक्टिंग है, क्या होगा ये अंदाजा आप लगाइए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हो सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी है, एनडीआरएफ की टीम कैसे तैनात है, चलिए मेरे साथ में बताती हूँ। सही पकड़े हैं। तो देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो नीचे आप देख रहे हैं समंदर है, समंदर की जो लहरें हैं वो तो अभी तेज उठ रही हैं, लेकिन कल और तेजी के साथ ये समंदर की लहरें उठेंगी, उस वक्त जिस वक्त अब चलिए जरा बड़ी जानकारी इस वक्त में दे रही हूँ। पोरबंदर से 460 किलोमीटर पर अभी ये तूफान है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन माना जा रहा है अगले जो 3 दिन है वो बहुत ज्यादा सावधानी भरे रहने चाहिए उन लोगों के लिए जो लोग तट के करीब रहते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें जो गाड़ी के बारे में जानकारी मिली थी वो यही मिली थी कि दीपिका पादुकोण किस तरह से, दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। रुक जा। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल इमरजेंसी गाड़ी जो दीपिका पादुकोण की, बता दे दीपिका पादुकोण जो इस गाड़ी से स्लो करके चलाइए, दीपिका की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं हम, स्लो लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? समाचार समाप्त हुए, बंद को आरंभ करो, ये तो रोज का नाटक। म्यूजिक। तेरी दलाली के रेट क्या है? फूकता है भारत, इन भी के पत्रकारों पे भी फूकता है भारत, पहले पूछ तो ले आखिर क्या पूछता है भारत, भी के कुत्ते इन हजारों पे भी फूकता है भारत, तेरी दलाली के रेट क्या है? फूकता है भारत, इन भी के पत्रकारों पे भी फूकता है भारत, पहले पूछ तो ले आखिर क्या पूछता है भारत, भी के कुत्ते इन हजारों पे भी फूकता है भारत।